भदोही जनपद के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ और हज विभाग के राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा में स्कूल, अस्पताल और इन्वेस्टर समिट के बाबत निरीक्षण कर मुख्यालय में बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूरे भारत में दूसरे नंबर पे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। बेसिक शिक्षा विभाग में हम उत्तर प्रदेश में सातवें रैंक पे हैं। जनपद भदोही में एक नए तरीके की एक हमने शुरुआत की है, यहाँ के सुविधाओं को बढ़ाने के लिए गांव में जो है ज्ञानालय बनाने का काम, हमारे गांव को स्मार्ट विलेज बनाने का काम, हमारे खेत तालाब जो हमारे मत्स्य पालन का जो सिस्टम होता है उसको और इंकरेज करने का काम, अमृत सरोवर योजना में हमारे वर्ष 2023 में 546 ऐसे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया हमने। बहुत बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इन्वेस्टर्स समिट, जिसका भी साक्षी हमारा पूरा देश और दुनिया हुआ था, जो 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में हुआ था, उससे पहले हमारे जनपद भदोही में इन्वेस्टर समिट हुआ जिले की, जिस इन्वेस्टर समिट का लक्ष्य था 750 करोड़ रुपए, लेकिन सबके सम्मिलित प्रयास से इस लक्ष्य से दुगना हमने प्राप्ति की और लगभग 1469 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे जनपद भदोही में हुआ, जिसमें 112 उद्यमियों ने इसमें सहभागिता की। निश्चित तौर पर बहुत प्रशंसा का विषय है, इससे हमारे जनपद भदोही के उद्योग को और गति मिलेगी, हमारे कालीन व्यवसायियों को और सुविधाएं मिलेंगी। तो ये थी भदोही से हमारे संवाददाता सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टुडे जुनून।